प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे SQL सीरीज़ में। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनर ज्वाइन के बारे में कि इनर ज्वाइन किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम देखते हैं लेफ़्ट ज्वाइन। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ज्वाइंस होते हैं वो एग्जैक्टली दो टेबल्स को ऐड करके उसकी उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनर ज्वाइन आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, उसके बाद लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारे ही ज्वाइंस आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके इंटरव्यू पर्पस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं कि व्हाट इज़ ज्वाइंस, राइट। तो आपको मल्टीपल टेबल दे दी जाएंगी जिसमें से आपको ज्वाइंस लगाना होगा और आपको उसमें से डिटेल निकालनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं आज लेफ़्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। सो एग्जैक्टली मैंने यहाँ तक टेबलें क्रिएट कर रखी जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय एज है और यहाँ से मैंने उसमें डेटा दे रखा है उसका। और इसको एक बार देख लेते हैं चल रहा है नहीं है। सो सिंपल सेट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। सो यहाँ तक मेरा एक एम्प्लॉय टेबल बन चुका है जिसमें मेरे पास डेटा है एम्प्लॉय आईडी, नेम और एम्प्लॉय की एज। मैं एक टेबल और क्रिएट कर रहा हूँ, तो सिंपल क्रिएट टेबल सैम्पल के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी वेर कैट 255 और मैं ले रहा हूँ एम्प्लॉय का एड्रेस। सिंपल चीज़, मैं आपको सेम वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको मैंने बताया था इनर ज्वाइन में, ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़ सके। इनर ज्वाइन में वही चीज़ आती है जो मैच करती है। लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन में डिफरेंस ये है कि आपका जो इनर ज्वाइन है उसमें सिर्फ वही वैल्यूज शो करेगा जो दोनों ही टेबल में कॉमन होंगी। लेफ़्ट ज्वाइन में ये होता है कि जो जो वैल्यूज़ आपकी सेम होती हैं दो टेबल में वो प्रिंट करेगा, प्लस लेफ़्ट टेबल के सारे ही डेटा को वो प्रिंट करेगा, चाहे वो वैल्यूज़ मैच कर रही हों या नहीं कर रही हों। और जो उसकी वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी वहाँ पे उसे शो करना चाहिए नल। सेम चीज़ है राइट ज्वाइन में। राइट ज्वाइन में आपका एग्जैक्टली ये होता है कि वो राइट टेबल की सारी ही चीज़ें मैच कर आपका प्रिंट करेगा अलॉन्ग विथ जो लेफ़्ट टेबल से मैच कर रहा हो वो भी, प्लस राइट साइड की साइड टेबल। तो आइए, ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है हो रहा हो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली। इंसर्ट इनटू सैंपल वैल्यूज, जॉडी सेम रहनी चाहिए इसकी और मैं एड्रेस दे रहा हूँ इसका, स्ट्रीट नंबर 5 न्यूयॉर्क। मैं इसे सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए हमारा। देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 डेटा है, 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय आईडी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 4 डेटा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको XYZ न्यू दिल्ली बैंगलोर और लखनऊ 10 और ये है 5 डेटा, राइट। सो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 के लिए एड्रेसेस है। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 प्लस 5 है। अब इसमें लगाएंगे हम ज्वाइन सेलेक्ट। अब मुझे फील्ड चाहिए, तो सेम चीज़ जैसा मैंने आपको बताया था इनर ज्वाइन में, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय की नेम और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय की एज, कॉमा मुझे क्या चाहिए, ये एम्प्लॉय टेबल में से मुझे ये 3 डेटा चाहिए और सैंपल में से मुझे सैंपल नाम के टेबल से मुझे चाहिए इसके एम्प्लॉय की एड्रेस। अब मैं इसमें लगाऊंगा इनर लेफ्ट ज्वाइन
लेफ्ट जॉइन आपका टेबल का नेम सैंपल ऑन आपका कंडीशन देनी है मुझे तो एम्प्लॉय टेबल में से आई डी इक्वल्स टू सैंपल सॉरी एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स टू सैंपल की एम्प्लॉय आई डी सैंपल डॉट एम्प्लॉय आई डी सेम होनी चाहिए राइट सो यहाँ से मैंने एक विद्या मैं इसको रन कर देता हूँ ओके तो एक सेकेंड ठीक है थोड़ा सा कुछ छुप रहा था लेफ्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी लेफ्ट जॉइन सैंपल ऑन सैंपल टेबल का नेम है और लेफ्ट सिंटेक्स एरर शो कर रहा है तो ओके यहाँ पे मैंने टेबल का नेम नहीं दिया हुआ इसका तो डैट इज़ एम्प्लॉय यहाँ पर अब देखिए एग्जैक्टली मेरे पास डिटेल्स शो हो रही है सारी तो अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी सारी ही मैच कर रही है मेरे पास डेटा पूरा आ चुका है एक्सेप्ट फिफ्थ वन क्योंकि पाँचवें का कोई भी यहाँ पर एड्रेस नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नल वैल्यू शो कर रहा है राइट सो लेफ्ट जॉइन में और इनर जॉइन में डिफरेंस ये था कि इनर जॉइन वो वैल्यू शो करता है जो आपका डेटा मैच करे और आपका लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन वो होते हैं जो लेफ्ट जॉइन का मतलब है जिसमें लेफ्ट की सारी टेबल डेटा आएगा प्लस जो आपका मैच है वो आएगा और जहाँ पे जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं वहाँ पे वो वैल्यू नल आएगी तो उसको चार आईडी एम्प्लॉय आईडी तक उसको मैच किया लेकिन पाँचवीं एम्प्लॉय आईडी नहीं मैच कर रही है एड्रेस नहीं मिल रहा उसको तो उसने लेफ्ट टेबल का डेटा तो प्रिंट कर दिया लेकिन राइट टेबल में उसको एड्रेस नहीं मिला तो वो इसे नल वैल्यू शो कर रहा है मैं आपको एक और एसक्यूएल कंपाइलर में दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें नल वैल्यूज को एग्जैक्टली शो नहीं करता है दैट इज पैजा ये भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आपको दिखा देगा नल वैल्यूज मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कॉपी और पेस्ट राइट देखिए नल वैल्यू आपकी शो कर रहा है लास्ट में राइट तो ये एग्जैक्टली जो वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाएगा जो वैल्यू मैचअप नहीं करेंगे उसे एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा राइट सेम आपका है आपका राइट जॉइन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक और फील्ड दे देता हूँ मैं चलिए मैं एम्प्लॉय आईडी जो है एक हटा देता हूँ तीसरी एम्प्लॉय आईडी में रिमूव कर देता हूँ और फिफ्थ को मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है अब देखते हैं इसमें लगा देता हूँ मैं राइट जॉइन राइट जॉइन ओके एक सेकेंड ओके इसमें आपका सपोर्टेबल नहीं है तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा इस कंपाइलर में सपोर्टेबल नहीं है तो सिंपल मैंने ये किया और इसे प्रिंट कर दिया राइट तो देखिए आपका राइट टेबल का सब डेटा शो कर रहा है वो ठीक है मेरे पास देखिए थर्ड में कोई थर्ड एम्प्लॉय आईडी आपकी 1 2 3 4 है यहाँ पर थर्ड नहीं है मेरे पास तो यहाँ पे उसने थर्ड का क्या कर दिया उसे नल वैल्यू शो कर दिया और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ सेव कर दिया राइट तो यहाँ पर पहले लेफ्ट जॉइन में क्या था कि आपकी वैल्यू मैच करे कि वो भी वैल्यू प्रिंट करेगा प्लस आपका जो डेटा आपका मैचअप नहीं कर रहा उसे भी प्रिंट कर देगा और राइट जॉइन में क्या है कि आपका राइट टेबल की सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा प्लस आपका जो टेबल मैच कर रहा है वो शो करेगा तो राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन में सिर्फ यही अंतर है कि लेफ्ट टेबल के सारे डेटा को प्रिंट करेगा प्लस आपका जो चीज़ें मैच करें वो प्रिंट करेगा और राइट जॉइन का मतलब ये है कि राइट टेबल में जो चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ हैं वो सभी प्रिंट करेगा प्लस जो आपका मैचअप वैल्यू है वो प्रिंट करेगा तो आई होप ये आपको लेफ्ट जॉइन इनर जॉइन राइट जॉइन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अगर कोई भी डाउट इसके अलावा आपको है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं
आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर उसे आपकी जो क्वेरीज हैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।